Hello everyone, welcome to my channel Self Study. Today I am going to explain you about the Constitution, the Constituent Assembly and how it was formed. But very first, subscribe my channel, press the bell icon for the further notification and watch the video till the end. So let us start. Friends, what is a Constitution? Let me explain you in short and in the very easy method. Constitution is a set of rules and regulations, rights and duties. It is the country's supreme authority. Constitution क्या है, संविधान क्या है? वो एक तरीके का rules है, एक set of rules. कुछ भी चीज करने से पहले हम कुछ भी नियम का पालन करते हैं, उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशंस है जो रेगुलर हमको उसको यूज में इस्तेमाल में लाना है, और राइट्स है एंड ड्यूटीज जो हर सिटीजन को, हर नागरिक को फॉलो करना है. और ये किसी भी कंट्री का एक सुप्रीम अथॉरिटी, एक सुप्रीम सबसे उच्च पावर है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Who framed the Constitution of India? Constitution of India को किसने फ्रेम किया था? Constitution of India was framed by a body called the Constituent Assembly. Its members were all the representatives of the Indian people. हर नागरिक का एक उच्च पद पे जो था वही उसका मेंबर बना. और कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया था एक बॉडी ने सब मिलकर, और उसको नाम दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. जैसे हमारे घर में कोई भी कार्यक्रम होता है तो घर के परिवार के सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और फिर वो अपनी अपनी राय देते हैं कि उस कार्यक्रम को कैसे बनाना है या करना है, कैसे उसको कामयाब करना है. द इलेक्शंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली were held in July 1946 and the members, those who were elected were 389. जो उसमें members elect हुए थे वो थे 389. और कब ये हुआ था लागू? ये हुआ था 1946 में. The elected members were representatives in the Provincial Legislative Assemblies. These members represented a wide cross section of the Indian society. अब ये कहाँ से आए थे, ये सब जो इलेक्ट किए गए थे वो मेंबर्स कहाँ से आए थे? ये पूरे भारत के प्रोविंशियल यानी कि पूरे स्टेट से लिए गए थे. वो अपने आप में एक अच्छे लीडर्स थे, हर एक फील्ड में उनको अच्छी सी जानकारी थी. The Constituent Assembly had all the reputed leaders like Pandit Jawaharlal Nehru, Dr. Rajendra Prasad, Sardar Patel, Maulana Azad, S.P. Mukherjee, Dr. S. Radhakrishnan, Dr. B.R. Ambedkar. ऐसे और भी बहुत सारे leaders थे जो अपने आप में एक prominent, eminent leaders थे. There were more than 30 members, 30 members से ज़्यादा वो थे शेड्यूल कास्ट से और शेड्यूल ट्राइब से भी थे. और उसमें एंड सम ऑफ देम वर फ्रॉम द एंग्लो इंडियन लाइक डॉक्टर एच पी मोदी एंड फ्रैंक एंटनी एंड इवन फ्रॉम द पारसी कम्युनिटीज. यानी कि भारत में जितने भी थे हर कम्युनिटीज से लोग लीडर्स लिए गए थे. और यही नहीं, विमेन मेंबर्स वेयर ऑल्सो इंक्लूडेड. उसमें महिलाएं भी थीं, और उसमें थी सरोजिनी नायडू एंड विजय लक्ष्मी पंडित. सो स्टूडेंट्स, दिस इज व्हाट अबाउट फॉर टुडे. नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान. हाउ डिड इट हैपन एंड व्हाट अबाउट द मेंबर्स ऑफ द असेंबली, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वेयर दे इंक्रीज और दे वर डिक्रीज. Exactly everything on the topic of partition of Pakistan. So children, don't miss my next video, and if you find
my video very important and useful, kindly like and share my video and watch the video till the end. Thank you. Goodbye.